आज हम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की के अद्भुत कृष्ण नामक अध्याय को पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण की जटिलताओं को समझे बिना तथा उनके असाधारण आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना सीधे साधे ग्वाले तथा वृंदावन के वासी कृष्ण के अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, उनके अद्भुत कार्य को देखते हुए यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे असाधारण बालक वृंदावन आकर हम लोगों के साथ रह सके। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। जरा सोचो तो, अभी भी केवल 7 वर्ष के हैं। उनके लिए एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक साथ धारण करना कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई गजराज कमल का फूल उठाए हो। हाथी के लिए कमल का फूल उठाना तुच्छ कार्य है। उसी प्रकार कृष्ण ने बिना किसी श्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। अब वे शिशु है थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे। तभी उन्होंने पूतना जैसी बड़ी राक्षसनी का वध किया था। उनका स्तनपान करते हुए उसके प्राण भी चूस लिए। कृष्ण ने पूतना को उसी प्रकार माना जिस प्रकार समय आने पर शाश्वत काल प्राणी को मारता है। जब वे केवल 3 मास के थे और एक छकड़े से नीचे सो रहे थे तो माता का दूध पीने के लिए रोने लगे और ऊपर की ओर पांव चलाने लगे। उनके छोटे पांव लगने से वह छकड़ा टूटकर खंड खंड हो गया। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में चिनावर असुर एवं उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और आकाश से नीचे गिरने पर बाध्य कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक बार उनकी माता ने उन्हें मक्खन चोरी उबर कर उन्हें लकड़ी से उल्लू पर बांध दिया तो वे उसे यमलार्जुन वृक्षों की ओर खींच कर ले गए, जिससे वे वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह एक बार वे बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चला रहे थे तो बकासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत ही इस असुर की चोंच को 2 खंड कर दिए। तब वत्सासुर नामक राक्षस कृष्ण के बछड़ों को लेने आया के उद्देश्य से बीच में घुस गया तो उन्होंने तुरंत उस असुर को पहचान लिया और उसे मारकर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। जब कृष्ण बलराम सहित तालवन में प्रविष्ट हुए तो गधे के रूप में धेनु का असुर ने आक्रमण किया। बलराम ने तुरंत ही उसके पिछले पांव को पकड़कर ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। यद्यपि धेनु का असुर के साथ ही अन्य गधे भी उसकी सहायता कर रहे थे, किंतु वे सभी मार डाले, क्योंकि तालवन सभी पशुओं तथा वृंदावन वासियों के लिए खुल गया। जब प्रलंबासुर ग्वालों के बीच घुस आया तो कृष्ण ने बलराम से उसका वध करा दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने अपने मित्रों तथा गौओं को भयंकर दावाग्नि से बचाया, यमुनादह में कालियानाग को दंड दिया और यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिससे यमुना का जल विष रहित हो गया। नंद महाराज ने एक और मित्र से कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति इतने आकृष्ट क्यों हैं। हम उन्हें भुलाना चाहते हैं किंतु भुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से वात्सल्य क्यों हैं? जरा सोचो तो, यह कितना अद्भुत है। कहां केवल 7 वर्षों का बालक और कहां गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत संदिग्ध हैं। हो ना हो, आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है। वह कोई सामान्य बालक नहीं। हो सकता है कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में गर्भ मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। तब वे नाम संस्कार करने पधारे थे तो उन्होंने बताया कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण प्रकट होता रहा है और
इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था, अतः जो जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गोवों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोगों अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में मैं इतने संसार को दुर्व्यवस्था से उबार कर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा उसे उसे उसके शत्रु भी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक भगवान विष्णु के समान है जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिससे देवता असुर से भी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा, अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों के चकित नहीं होना चाहिए। यह कहकर गर्गाचार्य अपने घर चले गए और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्य का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथानुसार मैं विस्तार करता हूँ कि अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब गालों ने नन्माज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों का ध्यान से सुना तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्य के भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हो गए। वे नन्माज की प्रशंसा करने लगे क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण के दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मौसलाधार वर्षा के साथ उपलवृष्टि तथा प्रलंब प्रबल झंझा भेजा तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारे परिवार तथा गौ को अमूल्य परिस्थिति से बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारे गांव पर बनी रहे। अद्भुत कृष्ण की छाया में शांतिपूर्वक जीवित रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नाम 26वें नामक 26वें अध्याय का भक्तिविधान तात्पर्य।